इस प्रकार का आप जब ऐप खोलेंगे डीबीटी ऐप का, तो आपको पहले अभी सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा था न्यू रजिस्ट्रेशन का, अब आपको इसमें दो ऑप्शन और प्रदर्शित होंगे। इस सेशन के बाद हम इसको लाइव कर देंगे तो आपको दो सेशन दो बॉक्स और प्रदर्शित होंगे। एक बॉक्स है बेनिफिशियरी फोटो अपलोड 2021-22, जिसमें आपको पिछले सत्र में जिनको डीबीटी के बेनिफिट दिया गया था बच्चों को, उनकी फोटो अपलोड करनी है। इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास वाइज दिखेगा कि ये प्राइमरी का था 1 से 5, और अपर प्राइमरी होंगे तो 1 से 8, और कंपोजिट में भी अपर प्राइमरी होंगे तो 6 से 8, और कंपोजिट में 1 से 8 के बच्चे यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। इसमें आपको करना क्या है, जिन भी बच्चों को पिछली बार डीबीटी का बेनिफिट मिला था वही बच्चे यहाँ पे प्रदर्शित होंगे आपके। ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार आपके यहाँ 100 बच्चे थे इंदौर और बेनिफिट 90 को मिला था, तो आपके 100 नहीं यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपके 90 ही बच्चे प्रदर्शित होंगे क्लास वाइज, जिनको कि हमने डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में धनराशि गई थी। अब इस क्लास 1 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बच्चे प्रदर्शित होंगे। इसमें हमने बच्चे का एसआर नंबर है, नाम है, फादर नेम है, उसका आधार गार्जियन का आधार स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस है, बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है। ये बैंक का नाम अकाउंट नंबर वो है जिनके जिस खाते में उनके पैसा गया था। और इसमें आपके जो बच्चे, जैसे पिछले सत्र में 1 से 5 वाले बच्चे थे, तो 5 वाले जो बच्चे थे जो इस सत्र में प्रमोट हो गए हैं आपके स्कूल से, पास आउट हो गए हैं, लेकिन फोटो अपलोड वाली लिस्ट में वो भी बच्चे आपको प्रदर्शित होंगे। इसमें आपको जैसे सर ने अभी बताया कि जिन बच्चों को हमने बेनिफिट दिया था उनकी फोटो अपलोड करनी है। इसमें नीचे आपको कैमरे का बटन दिख रहा होगा, आप कैमरे के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन आएगा, क्लिक फोटो विद यूनिफॉर्म। इसको आप क्लिक करेंगे, इसी तरीके से बच्चे की फोटो लेते हुए, और यहाँ पे आपको ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंक डेटा आएगा, क्योंकि ऑफलाइन भी चलेगा, अपने स्कूल में नेट नहीं है तो आप एक साथ सारे बच्चों की फोटो खींचते हुए रख लेंगे, और जब भी आपके सिस्टम में नेट आएगा या तो वो ऑटोमेटिक सिंक कर देगा, नहीं सिंक होता तो आप मैनुअल इसको सिंक कर दीजिएगा, तो आपके डेटा सर्वर पे सिंक हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक एक करके जितने बच्चों को पिछले सत्र में बेनिफिट दिया गया था उनकी फोटो खींचते हुए डेटा को सिंक कर देना है। इसी प्रकार क्लास 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे क्लास के बच्चों की फोटो खींचते हुए इस कार्य को पूरा करना है। अगर आपके विद्यालय में 3 टीचर हैं तो आप लोग इसको कार्य को आपस में बात करते हुए बांट भी सकते हैं कि आसानी से और जल्दी हो जाए। कि क्लास आपने बांट ली कि क्लास 1 के बच्चों की फोटो एक्स टीचर खींचेंगे, क्लास 2 के बच्चों की फोटो वाई टीचर खींचेंगे, तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग कार्य को बांट के भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से सर ने अभी बात करी कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन में आधार अनवेरिफाइड आया, उसके कई रीजन थे, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी गई, बच्चे का नाम गलत डाला गया, स्पेलिंग आधार में कुछ थी, टाइप करते समय मिस्टेक हो गई, तो उनका स्टेटस अनवेरिफाइड आ गया।
उन बच्चों को वहां पे तीन अटेम्प्ट हमने दिए थे, तीन आप 3 बार अटेम्प्ट करके देख सकते थे। वहां पे अटेम्प्ट पूरा होने के बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो उन्हीं बच्चों को दोबारा करने के लिए, या जो पुराने सत्र के आपके बच्चे थे जिसमें से 1 से 5 तक वाले में 5 के बच्चे पास आउट हो गए, 1 से 4 तक के वाले पुराने बच्चों में आधार और उनके गार्जियन में जिनने पिछली बार माता पिता को छोड़ के लोकल गार्जियन लगाया गया था, अगर आपने पिछली बार माता पिता का आधार लगाया था और उनके खाते में पैसा भी गया था, तो उनके पे आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मैं अभी आपको एक तीन तरीके की चीज बनेगी। जैसे पिछली बार आपने माता पिता के खाते आधार लगाया, उनके खाते में पैसा गया, तो उसमें आपको कार्य नहीं करना है, उसमें सिर्फ बच्चे के आधार को सत्यापित करना है। दूसरा है कि आपने लोकल गार्जियन किसी को लगा दिया, तो उसमें आपको इस बार जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में कार्य क्या था कि माता पिता का आधार लगाना है, अगर माता पिता नहीं है तो आपको कारण बताते हुए लोकल गार्जियन में दादा दादी अंकल चाचा चाची का ऑप्शन हमने दे रखा है, आपको कारण बताते हुए लोकल गार्जियन का आधार सत्यापित करना है और बच्चे का आधार सत्यापित करना है। ये पिछली बार की तरह ही स्क्रीन है कि इस विद्यालय में 86 बच्चे हैं। आपने हो सकता है पोर्टल पे, हमने ये स्क्रीन पोर्टल पे भी दी थी, प्रेरणा पोर्टल पे, टीचर लॉगिन पे भी दी थी, वहां पे भी कई चीजें आई कि सर हमने गलती से वेरीफाई कर दिया है, इनको डिलीट करना था, तो हमने वो ऑप्शन आपको यहाँ पे एक बार और दे दिया है कि आपके विद्यालय के जितने बच्चे हैं वो यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे, आप यहाँ भी उनको वेरीफाई और डिलीट कर सकते हैं। अगर गलती से वहां पे वेरीफाई हो गए थे तो आप यहाँ भी उनको वेरीफाई या डिलीट रीजन के साथ कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन भी आपने पिछली बार योडाइस कोड भरना है, पिछली बार हमने देखा था कई अध्यापकों ने अपने ही विद्यालय का योडाइस कोड गलत डाल दिया था, कोई भी 11 डिजिट डाल दी थी किसी ने, इसमें हम लोगों ने देखा कि मोबाइल नंबर डाल दिया था, कई लोगों ने इसमें कुछ भी डाल दिया था, तो आप लोगों से है कि इसको ध्यान पूर्वक देखते हुए, सिर्फ ये एक टाइम वन टाइम एंट्री है, अपने विद्यालय का सही यूडाइस कोड भर के आगे बढ़े। इसके नीचे आपके में है कि 22-23 में जिस दिन आप इसको भर रहे हैं उस दिन तक आपके यहाँ कितने बच्चे पंजीकृत थे, वो संख्या यहाँ पे आपको अपडेट कर देनी है। उसके बाद ये स्क्रीन पिछली बार की तरह आप लोगों ने देखा था जिस प्रकार डीबीटी में कार्य किया था कि आप अपने क्लास कक्षा को अलग अलग अलॉट कर सकते हैं कि मैं कक्षा 1 का कार्य कर लूं, 2 का कार्य कर लूं, तो मैं या मैंने अपने आप को सबको अलॉट कर लिया, तो फिर ये किसी और शिक्षक अलॉट करने के लिए कोई भी कक्षा नहीं मिलेगी। ये पिछली बार की तरह ही ये भी डैशबोर्ड है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, अंदर आप जाएंगे तो आपको यहां तक भी कोई परिवर्तन नहीं है, आपको जितने आपने बच्चे वहां वेरीफाई किए थे वो बच्चे यहाँ आपको प्रदर्शित होंगे। अब इन सारे बच्चे आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे होंगे, सेम जैसे आपने डीबीटी में कार्य किया था उसी तरीके से विवरण भरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको दिखेगा। हाँ, ये फॉर्म पिछली बार की तरह से चेंज बदला गया है, जैसा कि अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन में देख रहे थे उसी फॉर्म को यहाँ पे लिया गया है। इस फॉर्म में आपको ऊपर दिखाएगा प्रेरणा पोर्टल पर 10 छात्र छात्राओं की जानकारी,
कक्षा एक में आयुष वर्मा है जिनका प्रसंग ये है। इनका आपने रजिस्ट्रेशन के समय में कक्षा एक का है तो ये नए बच्चा आपने रजिस्टर्ड किया या क्या, तो इनका देखिए आधार पहले से आपको दिख रहा है कि बना हुआ है, यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ भी आ रही और इनका आधार स्टेटस सत्यापित आ रहा है, छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें आपको फिर कोई भी कार्य नहीं करना है। नीचे आप आएंगे आपको पता दिखेगा, इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, पिछली बार त्रुटिपूर्ण डीबीटी में गलत हो गया हो पिछले सत्र में, तो इस बार आप अगर पता है में या कोई भी चेंज करना चाहेंगे वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे पिन कोड भरना है, एपीएल बीपीएल अंत्योदय कार्ड में कोई परिवर्तन करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर बच्चे के एसआर नंबर या कक्षा में कोई परिवर्तन करना है तो आप यस और नो पे क्लिक करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये खुल जाता है पिछली बार की तरह। इसी तरीके से नीचे आप आएंगे, यहाँ पे गार्जियन का मिलेगा कि गार्जियन का यहाँ भी आधार सत्यापित है, पिता का आधार लगाया गया था, ये नया बच्चा था, तो नीचे बैंक का विवरण नहीं आ रहा। मैं आपको एक बच्चे के भी दिखाऊंगा जिसमें पिछले सत्र में माता का या पिता का आधार लगाया गया था, उसमें यहाँ पे आपको बैंक का विवरण भी प्रदर्शित होगा, इसमें खाते में पैसा गया था। इस केस में आपको सिर्फ अपडेट कर देना है वे तिथि भरते हुए और गांव का एड्रेस। ये सिर्फ इतना कर देना है आपको इस बच्चे में। अब हम किसी दूसरे बच्चे को लेते हैं जिसमें दोनों चीजें नहीं लगी हुई हैं, अनवेरिफाइड हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने दूसरे बच्चे की इन्फॉर्मेशन को ओपन किया तो इसमें भी आपको देखिए वही चीज मिल प्रदर्शित होगी सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको देखिए आपने पोर्टल पे या न्यू रजिस्ट्रेशन पे ये तो बताया कि बच्चे का आधार बना है लेकिन उसका अनवेरिफाइड आया, तो आपको यहाँ पे पुनः एक मौका दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे बच्चे का अगर आधार बन गया है या गलती से कोई गलती हो गई थी रजिस्ट्रेशन करते समय तो इसको आप यहाँ पुनः बच्चे का नाम, बालक बालिका, उसकी जन्मतिथि, रिलेशन, केयर ऑफ सन ऑफ आधार के अनुसार, इसमें केयर ऑफ सन ऑफ आधार के अनुसार इसमें बहुत ध्यान देना है। जैसे ही आप आधार कार्ड को देखते हैं, आधार कार्ड के बैक साइड में जहां पे पता लिखा होता है, पते के ही आगे सन ऑफ या केयर ऑफ लिख के माता पिता अंकल दादा दादी का नाम लिखा होता है, सिर्फ उस नाम को आपको यहाँ डालना है। जैसे मैंने अभी देखा पिछले रजिस्ट्रेशन वाले में लोग बहुत से लोगों ने उसमें केयर ऑफ लिख दिया जिसके कारण से उसका बच्चे का आधार अनवेरिफाइड आया, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि जो आधार के बैक में आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ एक केयर ऑफ लिख के आगे के माता पिता दादा दादी कोई भी एक नाम लिखा होगा उसको यहाँ पे मेंशन करना है। छात्र का आधार नंबर जो भी होगा आपको वैलिड डालना है, अभी मैंने डमी डाला है इसलिए वो बता रहा है। आप क्लिक टू वेरीफाई पे करेंगे वो आपका आधार वेरीफाई कर देगा।
इसी प्रकार आपको सारी चीजें बच्चे की पिछली बार जो आपने डीबीटी में भरी थी वो आपको भरी हुई प्रदर्शित होंगी। अगर आपको उसमें लगता है कि नहीं कोई त्रुटि इस बार पिछली बार हो गई थी, इस बार हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप बदल सकते हैं। इसी तरीके से आपके नीचे गार्जियन का है, आप कंसर्न को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये आ जाएगा किसका आधार सत्यापित किया जाना है। अगर आपने बोला माता का तो इसमें आपको अभिभावक का आधार नंबर, माता का यानी कि आधार नंबर, उनका नाम, और ये माता है तो महिला सेलेक्ट हो गया, वो क्लिप टू वेरीफाई करना है। अगर माता पिता दोनों ने आप अन्य सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार का फॉर्म ओपन हो रहा था उसी प्रकार का यहाँ पे प्रदर्शित होगा कि आपने अन्य क्यों लगाया, कि क्या माता पिता कोई जीवित नहीं है, तो आपको वही जैसा न्यू रजिस्ट्रेशन में पूछा जा रहा था, क्या प्रधान सभा सकते हो दास का प्रमाण पत्र लेकर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। फिर आप लोकल गार्जियन में दादा दादी भाई बहन चाचा चाची नाना नानी बुआ फूफा को मानते हुए उनका यहाँ पे आधार लगाते हुए सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापित करने के बाद आपको फाइनल, जब तक आप अपडेट सेव नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए डीबीटी के आगे प्रक्रिया में जाने से वंचित रहेगा। अगर आप इसी में कहते हैं माता पिता का दोनों का आधार बना ही नहीं है तो आपके पास आ जाएगा कृपया माता पिता का आधार बनवाएं, तब आधार सत्यापित करें, तब सिर्फ आपको अपडेट एंड सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये आप एक बार भर देंगे सेव करके, ये तब तक आपके लिए यहाँ पे अपडेट के लिए खुला रहेगा जब तक आप इनके आधार को बनवा के ले नहीं आएंगे, तब तक ये आप स्क्रीन में आके आप दोबारा इसकी एंट्री पुनः यहां जाके कर सकेंगे, आपको उसी तरीके का फॉर्म मिलेगा। तीसरे बच्चे में दिखाते हैं हम आपको कि जिसमें एक में इसमें देखिए बच्चे का आधार सत्यापित है, इसमें माता का भी आधार सत्यापित है, जैसे ये इसमें इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का आधार सत्यापित नहीं है और गार्जियन का आधार सत्यापित है। इसमें आपको आपने फॉर्म पे ये पुराना बच्चा है क्लास का, इसमें आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे ना रजिस्ट्रेशन करते समय भरी, तो यहाँ पे आपको पुनः वो पूछ रहा है क्या छात्र आप हाँ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा छात्र छात्रा के नाम आधार के अनुसार भरें। अगर आप कहते हैं कि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है, अभी भी आप कह रहे हैं नहीं बना, तो वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कारण, यदि छात्र छात्रा का आधार बना नहीं है तो उसका कारण बताइए। आधार बनने की प्रक्रिया में है तो आपको जब आधार बनाने जाते हैं तो एक रिसिप्ट मिलती है, एक पर्ची मिलती है, उस पे एक नंबर होता है इनरोलमेंट नंबर, वो आपको यहाँ भरते हुए इसको सेव कर देना है, तो यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन का बटन नहीं दिख रहेगा। अगर आप कहते हैं आधार नहीं बना है ठीक, तो आपको एनरोलमेंट नहीं भरना है, और इसमें नीचे आप देखेंगे बच्चे की इंफॉर्मेशन पहले से भरी है सत्यापित है। इसी तरीके से मैं एक आपको दिखाता हूं कि जिनमें पिछले सत्र में पेमेंट भी चला गया था उनमें किस प्रकार प्रदर्शित होगा। मैं आपको दोनों चीजें पोर्टल पे कैसे दिख रहा है और वही बच्चे की यहां पे
किस स्थिति में दिख रहा है, दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रदर्शित करता हूं। देखिए जैसे एक ये बच्चा है, इस बच्चे का आधार नहीं सत्यापित है, लेकिन आप इनके गार्जियन में देखेंगे तो पिछली बार इन्होंने अपने माता का आधार लगाया था और आधार सत्यापन है। और इनके देखिए नीचे आपको बैंक की डिटेल भी दिख रही है कि इनका पिछले सत्र में किस खाते में पेमेंट गया था, तो ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक का नाम, खाता संख्या। तो इन्होंने जो माता का आधार लगाया था वो पूरी तरीके से सत्यापित था और वो बैंक से सीड भी था। तो इसमें इनको गार्जियन अभिभावक के बॉक्स में कोई भी कार्य नहीं करना है, सिर्फ बच्चे का आधार सत्यापित करना है। हाँ करना है, अगर बच्चे का आधार बना है, जैसे हमने बताया बच्चे का नाम डालना है, बालक बालिका चूज करना है, इसकी जन्मतिथि डालनी है, अब आप लोग कह एक होगा कि केयर ऑफ में बच्चे के साथ संबंध में इतने रिलेशन क्यों आ रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, बच्चे का आधार बनवाने गए तो उसमें अभिभावक के रूप में चाचा चाची दादा दादी का नाम डाल दिया, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और बच्चे का अब केयर ऑफ और सन ऑफ में नाम डाल देंगे। और इसको क्लिक जो है वेरीफाई करेंगे आधार नंबर डालते हुए, तो ये बच्चे का आधार सत्यापित हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे आपको पिन कोड भरना है, अगर कोई त्रुटि है उस एसआर नंबर और कक्षा में, तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लास बदलनी है तो क्लास में आपने इसको कर दिया फोर, तो इस बच्चे की क्लास को हम सिस्टम में अपने आप इसको फोर्थ कर देंगे, वैसे बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में है, तो त्रुटिपूर्ण ये सेकंड क्लास में पंजीकृत हो गया था लेकिन हम इसको फोर्थ में कर देंगे। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको नहीं का चुनते हुए इसको सिर्फ अपडेट करना है। एक इसमें आपको बच्चे की और एक कंडीशन पे बच्चे को आपको अपडेट करने में आधार चेंज कर सकते हैं। पिछली बार आपने माता या पिता का आधार लगाया था, आधार वेरीफाइड भी था, लेकिन किसी कारण से उस बच्चे में वो आधार बैंक से सीड नहीं था, तो वो भी आपको यहाँ पे भरा हुआ प्रदर्शित होगा। लेकिन अगर उसको आप चेंज करना चाहेंगे तो वहां पे आप बदल सकेंगे। अगर माता का लगाया था पिछली बार तो आप पिता का लगा सकेंगे, पिता का लगाया था तो आप माता का लगा सकेंगे। जितने बच्चों को आपने वेरीफाइड किया होगा, चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन में हो या अपने डीबीटी में, तो वो आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट में प्रदर्शित होंगे।